आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन पीवीसी केबल एंड एक्सएलपीई केबल, मतलब कि पीवीसी केबल और एक्सएलपीई केबल में क्या अंतर होता है। दोस्तों आपको यह टॉपिक काफी अच्छे और एक प्रैक्टिकल तरीके समझ में आए, इसके लिए मैं यहाँ पे दो चित्र आपके सामने भी लेके आया हूँ, जिनकी मदद से मैं आपको इन दोनों ही केबल के डिफरेंस के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हमको यह पता होनी चाहिए आखिर जो पीवीसी होता है, इस पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है और एक्सएलपीई का पूरा नाम क्या होता है। अगर हम पीवीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो वह पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, और अगर हमसे कभी एक्सएलपीई की फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका मतलब है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। वैसे दोस्तों यह पॉलीविनाइल क्लोराइड और यह क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, यह तो हमारा जो केबल है ना, उस केबल पे ऊपर क्या मटेरियल लगा जा रहा है, इंसुलेशन के लिए। जैसे हम सभी को पता है हमारे ये एक वायर है, इस वायर के अंदर सबसे पहले मुख्य चीज क्या है, वो होती है हमारे कंडक्टर, चाहे वो कॉपर का हो सकता है कंडक्टर या फिर हमारे एल्यूमिनियम का वायर हो सकता है। तो ये दो ये चीज तो मुख्य होगी। अब यह जो वायर है इसके ऊपर हम किसकी कोटिंग कर रहे हैं, किस मटेरियल की परत चढ़ा रहे हैं, वही हमारा ये पीवीसी और एक्सएलपीई हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपके सामने दो फोटो लाया हूं। इस फोटो की मदद से हमारे सामने कुछ गलतियां होती है, हम एक्सएलपीई के बारे में कुछ गलतियां करते हैं इंडस्ट्री लाइन में उसको पहचानने से, तो वो गलती हम इस वीडियो के बाद में नहीं करेंगे। और पीवीसी एक्सएलपीई क्या है इसको अच्छे से जानने के बाद में फिर हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी बात कर लेंगे कि आखिर एक्सएलपीई का किस जगह इस्तेमाल किया जाता है और पीवीसी का किस जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों ही केबल के ऊपर सबसे पहली जो मुख्य गलती हम करते हैं वो हम यह सोचते हैं कि हमारी जो पीवीसी केबल होती है उस पीवीसी केबल में तो हमारे कुछ इस प्रकार की कोटिंग रहती है, आर वाई बी, इस प्रकार की हमें कोटिंग मिल जाती है। जबकि हमारे जब एक्सएलपी की इंसुलेशन कोटिंग की जाती है तो उस समय हमारा जो कॉपर होता है इस कॉपर के ऊपर हमारा व्हाइट व्हाइट कलर की काफी ज्यादा इंसुलेटिंग चढ़ा जाता है, फिर उसके बाद में हमारा कलर किया जाता है। जबकि दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है। यह जो हमारा इंसुलेशन का मटेरियल है ये किसी भी कलर का हो सकता है, कलर के बिहाव पे हम कभी भी एक्सएलपीई और पीवीसी की पहचान नहीं कर सकते। तो इस चित्र के अंदर भी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्सएलपीई लिखा हुआ है और आप बोलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पीवीसी भी लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे एक्सएलपीई भी लिखा हुआ है और यहाँ पीवीसी भी लिखा हुआ है, इन दोनों का क्या मतलब है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले हम ये दूसरे चित्र को देखते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर, फिर लिखा हुआ है पीवीसी और फिर बाद में इसका एचडब्ल्यू है और फिर बाद में लास्ट में पीवीसी और लिखा हुआ है। तो अब आखिर इसका क्या मतलब है, पीवीसी तो हमारे दोनों में ही लिखा हुआ है लेकिन इसके अंदर हमारे एक जगह एक्सएलपी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात ऐसी आ जाती है कि हमारा जो एक्सएलपी होता है ना, वो एक्सएलपी की जो मटेरियल की कोटिंग की जाती है वो हमारा जो कॉपर वायर है ना, ये वायर हमारा कंडक्टर, बस इसके ऊपर हमारे एक्सएलपी की कोटिंग की जाती है। तो आपको आगे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो हमें ये एक्सएलपी दिखा रहा है ये हमें इसी बात को दिखा रहा है कि हमारा जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के ऊपर जिस मटेरियल को इंसुलेशन के लिए उपयोग लिया जा रहा है वो हमारा एक्सएलपी है। और बाद में आगे जो पीवीसी लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है हम ये बाहर की जो हमारी काली काली आपको दिख रही है जिसको हम जैकेट बोलते हैं यह है हमारे पीवीसी मटेरियल की है। जबकि अगर हम दूसरे केबल की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो कंडक्टर के ऊपर जो मटेरियल का उपयोग किया इंसुलेशन के लिए यह भी हमारा पीवीसी है, और जो बाहर उपयोग किया गया जैकेट के लिए यह भी हमारा पीवीसी है। तो इन बातों से आपके कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अभी यही चीज आप इस सेकंड डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, इसके अंदर भी देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है कॉपर, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है एक्सएलपी, ये कॉपर डिनोट कर रहा है हमारा जो कंडक्टर है ये कंडक्टर कॉपर का है। इसके बाद में एक्सएलपी लिखा हुआ है, एक्सएलपी हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो इंसुलेशन है जो हमारे इस कॉपर के इंसुलेशन क्या है वो हमारा एक्सएलपी का है। इसके बारे में दोस्तों हमारे केबल के अंदर कई और भी चीजें होती है, जैसे आर्मंड भी होता है, यहाँ पे भी कई लोग कुछ गलती करते हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं जिस भी केबल के अंदर हमारे आर्मंड है वो हमारी सारी एक्सएलपी केबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारी जो पीवीसी केबल होती है उस पीवीसी के अंदर भी हमारी आर्मंड केबल आती है। यह जो आर्मंड है यह आर्मंड हमारी केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए उपयोग लिया जाता है। तो इस आर्मंड का हमारे एक्सएलपी और पीवीसी केबल से कोई भी लिंक नहीं है। और इसके बारे में वापस से आप देखोगे आगे लिखा हुआ है पीवीसी इंसुलेटेड फोर कोर केबल, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे जो आउटर जैकेट होता है, हमारा आउटर जो सीट कहलाती है वो हमारे इसमें भी पीवीसी की ही लगी हुई है। वैसे दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल केबल के अंदर इन चार पांच चीजों के अलावा और भी कई सारी चीजें होती है जिसको हम सभी को जान लेना चाहिए। अगर आपके मन में उनसे भी जुड़े सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हमारी केबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है उनका क्या क्या नाम होता है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम नेक्स्ट इन दोनों ही केबल में डिफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम डिफरेंस करते हैं वो करते हैं हमारे टेम्परेचर की रेटिंग पे, मतलब कि हमारा जो पीवीसी मटेरियल है ये हमारे कितने टेम्परेचर तक को झेल सकता है और हमारा जो एक्सएलपी मटेरियल है ये हमारे कितने टेम्परेचर को झेल सकता है। तो दोस्तों यह जो टेम्परेचर रेटिंग होती है ये हमारे तीन भागों में बटी रहती है। सबसे पहली चीज होती है हमारी ऑपरेटिंग, मतलब कि हर समय जो हमारा लोड चलता है वो ऑपरेटिंग के केस में आता है। तो इसके अंदर हमारा जो पीवीसी इंसुलेशन होता है यह हमारे 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल लेता है। और अगर हम एक्सएलपी की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर झेलने की ताकत होती है वो होती है हमारी 90 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा दोस्तों यहीं पे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं जो कि इन दोनों केबल की लाइफ के ऊपर है। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि हमारी जो पीवीसी केबल है अगर इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कराया जाए तो इसकी जो लाइफ रहती है हमारी पीवीसी की वह हमारी लगभग 20 साल के आसपास की रहती है। और वहीं अगर हम एक्सएलपीई की बात करें तो इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। अगर हम इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करा रहे हैं जबकि हमारी पीवीसी 70 डिग्री पे ही थी जबकि एक्सएलपी 90 डिग्री पे थे, तो इसकी जो लाइफ होती है वो हमारी 40 से लेकर
60 साल तक की होती है, जो कि आप देख सकते हैं 2 से 3 गुना ज्यादा होती है हमारे XLPE की लाइफ। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर रेटिंग होती है वो हमारे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के आधार पर बांटी जाती है। तो इसके अंदर हमारे ओवरलोड में जो पीवीसी रहती है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और शॉर्ट सर्किट में 135 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम XLPE की बात करें तो इसके अंदर 130 और 250 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की टेम्परेचर रेटिंग रहती है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, जब भी हम हमारी केबल का इंस्टॉलेशन करते हैं, जब हम कहीं पे केबल को हमारी फिट करते हैं तो वहां पर हमें कौन सी केबल फायदा पहुंचाती है, तो दोस्तों वहां पर सिंपल सी बात है, हमारी जो पीवीसी केबल होती है यह पीवीसी केबल थोड़ी कम हार्डर होती है हमारी XLPE से। XLPE जो केबल है वो हमारी थोड़ी ज्यादा हार्ड रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पीवीसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है जबकि XLPE पीवीसी के मुकाबले थोड़ी सी हार्डर होती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज आती है हमारी करंट कैपेसिटी किसी भी वायर की। तो ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो वायर है उस वायर पे अगर XLPE मटेरियल का उपयोग क्या इंसुलेशन के लिए, तो वहां पर हम हमारे उस कंडक्टर की 25% तक करंट कैपेसिटी की एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टिंग में हमने हाई टेंपरेचर को जान लिया था कि कौन सा मटेरियल कितने टेंपरेचर को झेल लेता है। यहां पर एक और चीज आ जाती है हमारा लोएस्ट टेंपरेचर कि कौन सा हमारे कम टेंपरेचर को झेल सकता है। तो पीवीसी के केस में बताया जाता है कि हमारे 15 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस तक ये हमारे काम में आ सकती है, जबकि हमारे जो प्रैक्टिकल में देखा गया कि 5 डिग्री सेल्सियस तक के भी टेंपरेचर में इसको उपयोग नहीं लिया जाता। और अगर हम XLPE की बात करें तो इसका उपयोग हम डायरेक्ट 90 डिग्री सेल्सियस तक ले लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा है पीवीसी के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों कहीं पर अगर आपने अंडरग्राउंड केबल भी देखी है तो वहां पर भी आप देखेंगे ज्यादातर XLPE केबल का या लगभग XLPE ही केबल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैंने एक वीडियो अंडरग्राउंड केबल वायरिंग और ओवरहेड केबल वायरिंग इन दोनों में क्या अंदर है, हमें किससे फायदा मिलता है, उसके ऊपर भी बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हो। इसके बारे में दोस्तों आखिरी के अंदर कुछ और छोटी मोटी 2-3 चीजें आती है। सबसे पहली चीज आती है कि हमारा जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है वो हमारा पीवीसी कम रहता है, जबकि हमारा जो XLPE हमारा पीवीसी के मुकाबले एक्सीलेंट रहता है। इसके बाद में हमारा ऑयल रेजिस्टेंस, मतलब कि ऑयल तो हमारे नहीं पकड़ता, तो इसके अंदर भी हमारा जो XLPE केबल है ये हमारे फायदा हमें पहुंचाती है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारे किसी केमिकल का कोई रिएक्शन, तो इसमें भी हमारा XLPE एक्सीलेंट में आती है, जबकि हमारी जो पीवीसी होती है ये पीवीसी इसमें पुअर की कंडीशन में आ जाती है, मतलब कि हमारी जो पीवीसी केबल होती है वह हमारी काफी ज्यादा केमिकल प्रूफ नहीं होती है। इसके अलावा आखिरी में एसिड रेजिस्टेंस आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमारी जो XLPE केबल होती है ये हमारी एक्सीलेंट में आ जाती है, जबकि हमारी पीवीसी केबल वापस से XLPE के नीचे ही रहती है। तो दोस्तों मतलब सिंपल सी बात ऐसी कि हमारा जो पीवीसी मटेरियल है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ये जनरल वे में है, मतलब कि हम जो जनरल हमारे घरों में वायरिंग उपयोग ले रहे हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन जब कभी हम कहीं पे कोई स्पेशल एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर हम हमारी कंपनी के अंदर काफी लंबी समय तक के लिए वायरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हम डायरेक्ट XLPE का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, इसके अंदर हमें काफी सारी सुरक्षाएं मिल जाती है मॉइस्चर से, ऑयल से, केमिकल से, एसिड से, साथ ही साथ इसकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी रेटिंग होती है XLPE मटेरियल की ये भी हमारी ज्यादा होती है। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य डिफरेंस होता है पीवीसी और XLPE के बीच में। और वीडियो के आखिरी में आपको एक और मैं ये बात बताऊं कि हमारी जो XLPE केबल होती है ये हमारी पीवीसी के मुकाबले महंगी भी होती है, और साथ ही साथ कई लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है कि हमारी जो XLPE की होती है वो हमारी डायरेक्ट 70 square mm ऐसी आती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी जो XLPE केबल आती है वो भी हमारी 2.5 square mm 1.5 square mm में हमें मिल जाती है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से हम घरों में हम पीवीसी का उपयोग ले लेते हैं, क्योंकि घरों के अंदर हमारी जो पीवीसी केबल है, पीवीसी मटेरियल की जो केबल है, वो हमारे घरों के लिए जनरल यूज के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन जब हम कभी इंडस्ट्रियल या फिर कभी लॉन्ग पर्पस से सोच रहे हैं तो वहां पर हम जरूर से XLPE ही केबल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़े आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।